मुझे याद है वो दिन दशकों पहले जब हम लोग भारतीय कांग्रेस में थे, अहमद पटेल जी और मैं, हम भी यूथ कांग्रेस से आए। आप में से काफी को मालूम होगा, काफी को नहीं, जब मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना था सन 1985 भाई अहमद पटेल जी और हम उस समय भी युवक कांग्रेस में साथ थे जब कांग्रेस ने 1977 की बड़ी हार देखी थी। उसके बाद बड़ा संघर्ष था, बड़ी कुर्बानियां की थी और दोबारा 1980 में इंदिरा गांधी जी बड़ी मजबूती से जीत कर वापिस आई थी। उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय कांग्रेस की रही थी। और उसके बाद जो बार बार देश के अंदर बड़े परिवर्तन और आंदोलन की बात आई, युवक कांग्रेस ने अपनी भूमिका निभाई। एक बात जानना जरूरी, यहां आज जिक्र किया भी 150 साल महात्मा गांधी के हैं। अभी 26 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति यहां आए थे, श्री रामाफोसा। दोनों देश मिलकर गांधी के 150 साल और नेल्सन मंडेला के 100 साल मना रहे हैं। पिछली सदी के ये दोनों महान नायक जिन्होंने मानवता की लड़ाई लड़ी। हमको मालूम कि 2014 में क्या हुआ, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था, हम उसका शिकार हुए। वो षड्यंत्र कांग्रेस के विरोधियों का था जिन्होंने एक ऐसी छवि पेश करी हमारी सरकार जिससे लोग भ्रमित भी हुए। बड़े आंदोलन चले थे देश के अंदर, आपको याद होगा इंडिया अगेंस्ट करप्शन आया था, यही दिल्ली में भूख हड़ताल हुई थी, लोकपाल की मांग हुई थी। यहां अन्ना हजारे बैठे थे और लोग थे शामिल। क्या आज कोई पूछने वाला है कि 4.5 साल में कहां लोकपाल और कहां वो लोग जिन्होंने बदनाम करके झूठ कहकर कांग्रेस की हुकूमत को बेदखल किया, हमारी सरकार को बेदखल किया था। आज कौन सा कांग्रेस का नेता है जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे 2014 में कि मैं एक बार आऊंगा मैं बताऊंगा। हमारी खुली चुनौती है कि मीडिया के लोग भी भाई हमारी बात भी बताया करो। हमारी चुनौती है नरेंद्र मोदी जी को, हम सब लोग खड़े हैं, हम सरकार में थे, हमारी आवाज में सच्चाई की ताकत है। हमें से किसी ने अगर गलत किया होता तो तुम्हारी और आपकी सरकार रुक नहीं सकती थी। आपने हर कोशिश की है, आज देश की हर संस्था को बर्बाद कर दिया गया है। सरकार की एजेंसी को अपना काम करने के लिए नहीं राजनीतिक विरोधियों के निशाना लग रहा है। इस सरकार का एक दुष्प्रचार है, ये दुर्भावना से काम कर रहे हैं। सबसे पहला निशाना कांग्रेस की सोच और विचारधारा, उनका निशाना जवाहरलाल नेहरू पर है, नेहरू के सपनों के भारत पर है। कभी आपने सोचा था कि हम ऐसा देश देखेंगे जो देश अपने शहीदों का सम्मान ना करे? जब से यह सरकार आई, इंदिरा जी की बरसी नहीं मनाई जाती, जवाहरलाल नेहरू जी जो सबसे लंबे समय अंग्रेजों की जेलों में कैद रहे, उनके विचार उनके सोच को अपमानित किया जाता है। राजीव गांधी जी भी शहीद थे, उनकी भी बरसी नहीं मनाई जाती। पर किनकी मनाई जाती है? कौन है दीनदयाल उपाध्याय? क्या योगदान था हिंदुस्तान की आजादी में? कौन सी जेल में गए थे कि संघर्ष में शामिल हुए थे? क्यों मांगे इन लोगों से, हिसाब मांगे आप इनसे? गजब हो गया, इतिहास का इतना अपमान। हमको एक संदेश देना है और चेतावनी भी, दुनिया में कहीं भी किसी भी तानाशाह किसी भी हुकूमत और किसी सोच ने अगर अपने से पहले लोग जिन्होंने मुल्क आजाद कराया हो उनको अपमानित किया हो, जो देश के शहीदों का अपमान करते हैं
उनको इतिहास माफ नहीं करता है। ये इतिहास ये नहीं लिखे जाएंगे, इतिहास लिखा हुआ है, इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है। जैसे हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने की, इन दोनों का विरोध हमको करना है, आपको और हमको। यही इन्होंने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत। किसने कहा था? और साथ में अमित शाह ने। हमारी सोच तो ये नहीं है किससे मुक्त करेंगे, पर हिंदुस्तान को इनकी हुकूमत से आजाद जरूर कराएंगे। अभी नक्शा बदला, ये नक्शा बदला या नहीं बदला? भारत का नक्शा देखो, भारत का जहां दिल है मध्य भारत में, वही छत्तीसगढ़ है, वही मध्य प्रदेश है, वही राजस्थान है, नीचे दक्षिण में कर्नाटक है, इधर पूर्व में पंजाब है। शायद ये लोग कोई दूसरा नक्शा बना के लाए थे मोदी और अमित शाह। इस हिंदुस्तान से कांग्रेस कभी बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि कांग्रेस की पहचान हिंदुस्तान है, कांग्रेस की आवाज हिंदुस्तान की आवाज है। इसीलिए मैंने कहा, अहमद भाई ने भी कहा, विचारधारा की लड़ाई, एक उनकी सोच एक हमारी सोच, हमारी सोच एक उदार समावेशी प्रगतिशील धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान की है, उनकी सोच इस देश में लकीरें खींचती है, दीवारें खड़ी करती है, बंटवारा लाती है समाज के अंदर। आज क्या वातावरण पैदा हुआ है? नफरत का, घृणा का, भय का, खौफ का माहौल है हमारे देश में। आप लोग बोलना शुरू हुए हैं, और इनके पास हर वो साधन है, हर वो तंत्र है, शासन का, प्रशासन का, पैसे का। मैं हम कई बार कह चुका हूं, संसद के अंदर भी हमको बदनाम किया गया था, आरोप हमारी सरकार पर लगे थे, वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री 10 साल थे, एक नियत उनका इंटेलेक्ट, उनकी ईमानदारी दुनिया जानती। जब हिंदुस्तान में बड़ा परिवर्तन हम लाए थे, पर हम लोगों को तो इस तरह से तस्वीर हमारी खराब की गई, तो आज लोग समझ गए कि झूठ कहा गया। तो गलत हम थे, भ्रष्टाचार हमारे यहां हो रहा था, और 95% देश का जो राजनीति में पैसा है वो बीजेपी के पास है। ये घोषित पैसा मैं बता रहा, हजारों करोड़ इस्तेमाल, मालूम है आप भारतीय जनता पार्टी ने 3 साल में विज्ञापनों में कितना खर्चा किया? 4,297 करोड़ रुपया। जो बड़ी कंपनियां हैं दुनिया की, नेटफ्लिक्स, एमेजॉन, यूनिलीवर, उन सबको इकट्ठा कर लो, उससे ज्यादा बीजेपी ने विज्ञापन में किया। पूछो वो कौन सा पैसा है, हिसाब मांगे उस पैसे का, ये किसका पैसा है और कहां से आया? आपको दूर नहीं जाना, दिल्ली में 2 बड़ी इमारतें बनी हैं, इनका मुख्यालय जाके देख लो, बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का ऐसा दफ्तर नहीं होगा। ये है नया भारत, कि अपने लिए सब कुछ ठीक हो, बाकी देश की कोई चिंता नहीं। तो आज जो आने वाले 6 हफ्ते में होना, आपको हर टीवी चैनल में पहले से 5 साल से हिंदुस्तान के लोग परेशान हैं, आपको सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नजर आएंगे, जिनकी अपनी डिग्री पर सवालिया निशान है, वो बच्चों को परीक्षा देने का सबक दिखाते हैं, गजब की बात हो रही है, क्या गजब बना। अरे भैया आपने तो आपने रोक दिया आरटीआई पे, पहले अपना तो बता दो, और बच्चों को कहूंगा इनकी बात मत सुनना, ये खुद ही पास नहीं होंगे, ये लोग हर इम्तिहान में फेल है, इनके बात पर इम्तिहान नहीं समझना, परीक्षा ये नहीं बताएंगे, तो इनके इम्तिहान का टाइम आ गया, फिर फेल होंगे जैसे कि पहले होते थे।
ऐलानिया बात है। ठीक है, आप सुनते रहो पहले, फिर खूब नारा लगाना। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने उसकी तरह सांकेतिक भाषा में बात की थी, हमारे देश संवैधानिक प्रजातंत्र है, इसको थोड़ा गहराई से समझे। हिंदुस्तान के साथ और बाद में भी देश आजाद हुए थे दुनिया में, जो हमारी तरह से साम्राज्यवाद का शिकार रहे थे, जो चाहे अंग्रेजों की या पोर्चुगीज की या फ्रेंच की कॉलोनीज बन के रह गए थे, पर भारत ने यह फैसला किया था कि आजाद हिंदुस्तान में हम प्रजातंत्र कायम करेंगे, वोट का अधिकार देंगे, बराबरी का देंगे। पर हमारा देश कानून पर चलता है, तो संविधान भारत के हर नागरिक को बराबर का अधिकार देता है, जो आपके मौलिक अधिकार कहे जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहे जाते हैं। आज की सरकार हमारे संविधान के बुनियादी असूलों पर हमला कर रही है, वो हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकार को छीन रही है। आज हमारे शिक्षा की संस्थाओं में हस्तक्षेप, हमारे विश्वविद्यालयों में असंतोष है। क्या कारण है कि यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस में हमारे बच्चे परेशान हैं? क्या कारण है कि शिक्षक परेशान हैं? क्यों लोगों में गुस्सा है? गुस्सा इसलिए है, ये अनरेस्ट इसलिए है कैंपसेस के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर, लोग देख रहे हैं कि ये लोग जो सब बात दिखा के आए थे, हमारा अधिकार हमसे छीन रहे हैं। आज ऐसा देश बनेगा क्या? शिक्षा की संस्थाएं इनके कब्जे में, इनकी विचारधारा थी, न्याय इतिहास लिखा जाएगा, जो सही शहीद और हीरो हैं उनका नाम हटा के दूसरे नाम शामिल कर दिए। बाकी संस्थाओं का क्या? उम्मीद करते हैं हम कि न्यायपालिका तो सबसे बड़ा है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो देश के संविधान की रक्षा करेंगे। उम्मीद आप करते हैं, हम करते हैं, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा? जो आज हो रहा है ये देखा जाना, जहां कानून का राज्य होता है, सरकार की संस्थाएं और एजेंसी होती हैं। आप जैसे कई लोग संविधान पढ़े होंगे, कईयों ने कानून भी पढ़ा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। कहीं संविधान और कानून में यह कहा गया है कि किसी प्रधानमंत्री और सरकार को यह अधिकार हो, देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जो जांच की एजेंसी है सीबीआई, उसको राजनीतिक विरोधियों पर झूठे मुकदमे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए? ये लिखा है किसी कानून संविधान में? क्या ये अधिकार है किसी प्रधानमंत्री को? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि उनके यहां के जो बेईमान है, उनके मंत्री और मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आरोप है। आज तक पौने पांच साल में इन प्रधानमंत्री ने, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इन्होंने एक कोई जांच हुई इनके आदमी के खिलाफ, एक कार्रवाई हुई इनके बीजेपी के लोगों के खिलाफ,